होते हैं करते रहेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव अच्छा साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लादिप्रवर्तमादर्शिता नमः सत्ताई श्रद्धा प्रज्ञा ओम श्री गुरुवे नमः। हमारे साथ साथ 11 बार जय जो बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भूदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भूदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का ज्योतिष की कक्षा में स्वागत है। कुछ रूल्स मैंने अभी बनाए हैं जो हम आपको बता देते हैं, जिसको आप लोग, क्योंकि बिना मनुष्य परिश्रम के ज्ञान नहीं मिलता। जब तक कोई व्यक्ति थोड़ा परिश्रम नहीं करेगा तब तक उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो एक थोड़ा सा परिश्रम ये करना है कि अपने अपनी वीडियो कोई भी व्यक्ति ऑफ मोड में पढ़ाई नहीं करेगा। ऑफ मोड पे पढ़ाई करने का मतलब ये होता है कि हम अपनी आंखों को बंद कर ले, क्योंकि देखो जो हमारी इंद्रियां होती है वही ज्ञान के साधन होती है। इंद्रियां ही मनुष्य को धोखा देती हैं और ज्ञान भी इंद्रियों के द्वारा ही आता है। और व्यक्ति कर्तव्य है कि अपनी नेत्रों को खोल कर रखें, तो जो आपका वीडियो है उसको ऑन करके रखें। ईश्वर ने आप सभी को कितना सुंदर बनाया है। अपनी अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए ये परम आवश्यक है कि अपना वीडियो ऑन करें, और नहीं ऑन करेंगे तो हम ग्रुप से रिमूव कर। क्या है कि कभी कभी ऐसा पता चलता है कि वीडियो ऑन कर लिया और मोबाइल को पॉकेट में रख लिया, तो समय ज्यादा लग जाता है समझने में, हमें समझने में कम समय लग जाता है। समय तो लिमिटेड है। विष्णु पांडे जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आप भी अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए। उसी लिमिटेड समय में हमें सब कुछ सीखना है, और ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कक्षा है जिसमें एडवांस एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाएगी। आप ज्योतिष के सिद्धांतों का उपयोग करके प्रिडिक्शन को और अच्छा कैसे बनाएं, हम अपना भविष्य ठीक करें, साथ ही साथ अपने जातक का भविष्य भी ठीक करें। विवेक मुद्गल जी, आज आप पहली बार क्लास में हैं। जी आपकी ज्योतिष के पढ़ने की जिज्ञासा है? अपनी जी बिल्कुल जिज्ञासा को शांत कराइए, एडमिशन करा लीजिए। उससे होता क्या है कि जब हम कहीं पे एडमिशन करा लेते हैं तो हम उससे जुड़ जाते हैं। जब हम हमारा जुड़ाव होगा किसी भाव से, सीखने की प्रतिभा भी बढ़ती हुई चली जाती है।
कुल मिला के हमारे पास सभी 60 से 70 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी जुड़े हैं, बाकी लोग वीडियो देखेंगे। हैप्पी अपना वीडियो ऑन कर लो, और जिन लोगों ने एडमिशन नहीं ले रखा है वो लोग से पुनः अनुरोध है कि एक बार एडमिशन जरूर ले लो। इससे होगा क्या, देखो जब भी कोई व्यक्ति जो है किसी कार्य को पूर्ण मनोयोग करता है तो उसमें सफलता मिलती है। अगर आप किसी भी कार्य को पूर्ण मनोयोग से नहीं करोगे तो उसमें आपको सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो कनिका जी अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, इससे होगा क्या, पूर्णतः सफलता प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति को परिश्रम करना। परिश्रम जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, सफलता की गारंटी है भाई। ज्योतिष को अगर आपने 1 वर्ष का समय दे दिया तो विभिन्न क्षेत्रों में जितनी भी आपकी प्रगति हुई हो उससे 10 गुना ज्यादा प्रगति ज्योतिष के क्षेत्र में होगी। और एक अच्छा व्यक्ति जो ज्योतिष के क्षेत्र में अच्छा काम करता है तो उसे काफी ज्यादा सफलता मिलती है। आज का विषय है जिसपे हम फोकस करेंगे, पहले एक जन्म कुंडली आप लोग बनाएंगे। देखिए ये जो पहला भाव होता है ये लग्न होता है। आज जो हम पढ़ेंगे ये जो सूर्य की उपस्थिति है, सूर्य सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है। अगर सूर्य मेष राशि में है और 10 डिग्री तक तो उसका जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई भी जातक हो जिसका सूर्य उच्च का है, मेष राशि में है, 10 डिग्री का करता है, तो ऐसे जातक के ऊपर क्या प्रभाव आएगा। तो ऐसा जातक जो है ये जातक प्रसिद्ध होगा। प्रसिद्ध का मतलब होता है फेमस, वेल नोन पर्सन होगा, भ्रमणशील होगा, इसे घूमने फिरने का शौक होगा, थोड़े द्रव्य वाला होगा, और बहुत ही चालाक होगा, चतुर। ये चार प्रॉपर्टी आती है। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है 10 डिग्री तक, वो ऐसी परिस्थिति में अगर आप देखते हो कि किसी भी कुंडली में सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री तक उच्च का है, इसका प्रभाव जातक के ऊपर क्या पड़ेगा। जातक को प्रसिद्धि मिलेगी, जातक भ्रमणशील होगा और चतुर होगा। ऐसा जातक चतुर हो जाता है, चतुर कहते हैं चालान। उसको प्रसिद्धि मिलेगी, भ्रमणशील होगा और चतुर, ये तीन चीजें उस व्यक्ति के साथ जुड़ी रहेंगी। अब सूर्य मेष राशि में हुआ तो ये फल हुआ, अगर यही सूर्य वृषभ राशि में आएगा तब क्या फल होगा। इस व्यक्ति को स्त्रियों दुकान से लाभ मिलेगा। देखिए हम एक एक प्लैनेट को बता रहे हैं आपको, उसको ऐसे समझो। आज का पढ़ाई सूर्य को, सूर्य मेष राशि में होगा
जातक जो है प्रसिद्ध होगा, भ्रमणशील होगा, थोड़े द्रव्य वाला होगा। थोड़े द्रव्य वाला मीन्स उसके पास पैसे होंगे। और यही अगर वृषभ राशि में आएगा तो उसको स्त्रियों से लाभ मिलेगा, दुकान से लाभ मिलेगा, और उसकी प्रीति अस्थाई नहीं होगी। इसका तात्पर्य क्या होगा? वृषभ राशि का जो सूर्य होगा, ऐसे जातक का प्रेम जो है स्थायी नहीं होगा। ऐसे जातक का प्रेम स्थायी नहीं होगा, जो वृषभ राशि का जातक है, ऐसे जातक का प्रेम स्थायी नहीं होगा। तो देखिए आपको कंक्लूजन मिला कि नहीं मिला? वृषभ राशि के जातक का प्रेम में अस्थायित्व तो नहीं मिलता है। सही क्या है? स्त्रियों से लाभ? हाँ जी हाँ जी, स्त्रियों से लाभ, ऐसे समझो। अब इसको आप यू डोंट टेक इट अदरवाइज। मान लीजिए ये पुरुष की कुंडली है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि इसके बहुत सारे मित्र जो है स्त्रियां होंगी। लाभ का मतलब होगा कि उनके संसर्ग से, उनके सहयोग से, उनके विचारों से इस व्यक्ति के जीवन में बेनिफिट आएगा। तो पहला है सूर्य मेष राशि में आया 10 डिग्री तक, तो जब मेष राशि में 10 डिग्री तक आएगा तो व्यक्ति को प्रसिद्ध बनाएगा, भ्रमणशील बनाएगा, उसके पास पैसे होंगे और वो चालाक होगा। दूसरा क्या हुआ, यही सूर्य अगर वृषभ राशि में आ जाता है तो इस जातक के साथ क्या होता है, ये जातक जो है उसको स्त्रियों से लाभ होगा, व्यापार से लाभ होगा, पर इसका प्रेम अस्थायी नहीं होगा। मतलब तो किसी भी व्यक्ति से लगाव जो होगा, होता नहीं है कि वी हैव अटैचमेंट, तो ये अटैचमेंट परमानेंट नहीं होगा। और इसको गाने बजाने का भी शौक हो, अब सूर्य को तीसरी राशि में लेके आते हैं। सूर्य अगर दिखाई नहीं दे रहा। आप में से जो लोग अपने आप को खुद से अनम्यूट कर रहे हैं, म्यूट कर लिया करो बीच बीच में। तीसरे नंबर की राशि जो होती है मिथुन राशि, यहाँ पे अगर आएगा सूर्य, उसमें क्या स्थिति हो जाएगी, ये जो जातक होगा विद्वान हो जाएगा। ये तो पॉजिटिव हुआ, मिथुन राशि में स्थित सूर्य जातक को विद्वान बनाएगा, ज्योतिष का ज्ञान देगा। संपन्न बनाएगा तथा जातक धनवान होगा। आप में से किसी की राशि में सूर्य क्या मेष वृषभ मिथुन में है? आप में सर से सिंह राशि उप सिंह राशि में सिर्फ तीन का देख बताइए, वे चौथे नंबर की राशि भी शुरू करेंगे। आशीष जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप कहाँ भ्रमण कर रहे हैं आजकल? वो तो नहीं है ना, निकल आया हुआ ना। हेलो रूपा जी हेलो वीडियो ऑन कर, रूपा जी कृपया अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, सीएम जी आप भी वीडियो ऑन कर लीजिए, नीरज कुमार जी आप भी वीडियो ऑन कर लीजिए। अभिषेक पांडे जी अपना वीडियो ऑन करें, निशेष पराशरी जी वीडियो ऑन करें। आप देखिए हेलो। चौथे नंबर की राशि में हम लोग चलते हैं। चौथे नंबर की राशि होती है कर्क राशि। अब कर्क राशि में सूर्य के प्रभाव क्या होगा?
सूर्य अगर कर्क राशि में जाता है, कर्क राशि का जो सूर्य होता है, ये व्यक्ति को तीक्ष्ण बनाएगा। शीघ्र कार्य करने वाला बनाएगा। और इसके अंदर सेवा वृत्ति होगी, दूसरों की सेवा करना चाहेगा। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट लिखा है कि व्यक्ति धन रहित होता है, और उसे बहुत परिश्रम करना पड़ता है। देखिए, सूर्य कर्क राशि में आया, कर्क राशि जो होती है वो चंद्रमा का घर, चंद्रमा और सूर्य में आपस में मित्रता होती है, तो सूर्य कर्क राशि में आने पे क्या होगा? अच्छा परिणाम देगा, तीक्ष्ण बनाएगा, तीव्रता रहेगी व्यक्ति के अंदर, कोई भी काम बहुत तेजी से कर लेगा, सेवा वृत्ति होगी, मतलब दूसरों की वो सेवा सहायता करना चाहेगा, और उसे बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। तो ये बहुत, जहां कहीं भी आपको ये वर्ड आया कि बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, ये बहुत नेगेटिव नहीं है भाई, परिश्रमी होना कोई अवगुण तो है नहीं, इसे पॉजिटिव एस्पेक्ट है, यह व्यक्ति के अंदर परिश्रम भरा हुआ है, दिस इज पॉजिटिव एस्पेक्ट, उसे परिश्रम करना पड़ेगा। फिर सूर्य को आप ले जाइए सिंह राशि में, सूर्य गया सिंह राशि में, तो सिंह राशि तो सूर्य का अपनी राशि है, तो ऐसे व्यक्ति की वन, पर्वत और गायों में विशेष प्रीति होती है। तो वन, पर्वत और गायों में विशेष प्रीति होने का मतलब यह व्यक्ति जो है प्रकृति के प्रति दयावान होता है। दूसरा गुण क्या होता है? ये व्यक्ति वीर्यवान होता है, इसके अंदर वीर्य होगा, बुद्धिमान होता है, बुद्धि होगी, ये तो पॉजिटिव है, समझ लो। बुद्धिमान भी होगा, वीर्यवान भी होगा। अब इसके बाद का, सूर्य सिंह राशि के बाद आप कहाँ ले जाएंगे? कन्या राशि में ले जाइए। कन्या राशि में जो सूर्य होता है, जातक का शरीर स्त्री के समान होता है, जातक का शरीर स्त्री के समान होगा, वह विद्वान होगा, उसको गणित की जानकारी अच्छी होगी, वीरवान हो गया, बुद्धिमान हो गया, और चित्रकर्म और काव्य में विशेषता होगी, तो ये तो आर्टिस्टिक पर्सनालिटी क्रिएट हो रही है इस व्यक्ति। जैसे ही सूर्य कन्या राशि में जाता है, तो व्यक्ति के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटी आ जाती है।
अब इसके बाद का देखिए तुला राशि। सर इसमें एक चीज पूछनी है, जातक का शरीर स्त्री के समान, इसका क्या मतलब हुआ? आपने स्त्रियों को देखा है वो कैसे चलती हैं, इस तरह फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा होती है बॉडी में ना, और पुरुषों का अकड़ के चलने की आदत होती है, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी। लगेगा कोई महिला चल रही, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कोई व्यक्ति पुरुष तो है तो उसके हाव भाव मुस्कुराहट चाल चलन ये महिलाओं से मिलते जुलते रहते हैं। इसी तरह कभी कभी स्त्रियों के साथ भी ऐसा होता है कि उनका शरीर तो स्त्रियों का होता है, व्यवहार वाणी ये सब पुरुषों की तरह हो जाता है, कर्कशता आ जाती है, एटीट्यूड आ जाता है। स्त्री का मतलब होता है कोमल, सॉफ्टनेस, सौंदर्य से होता है। पुरुष का मतलब होता है शक्ति, हार्शनेस में होता है, थोड़ा सा हो जाता है। सूर्य तुला राशि में नीच का होता है, इसको याद रख लीजिएगा। अब ऐसे व्यक्तियों को शराब के कारोबार, मद्य का जो कारोबार होता है उससे, तांबूल, तांबूल कहते हैं पान के पत्ते को, पान का पत्ता, ट्रेवलिंग एजेंट, इन्हें कीर्ति कम मिलती है, ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। ये जो काम करेंगे इनको यश कम मिलेगा, उत्साह शून्य होते हैं ये। जो हैप्पीनेस होनी चाहिए, करेजमेंट होना चाहिए ना, वो इनके अंदर काफी कम होता है, और धन संग्रह कम कर पाते। यही सूर्य अगर वृश्चिक राशि में चला गया तो इनको जो है संक्रामक बीमारियों के इलाज में महारत हासिल। धन लाभ होता है, अब ऐसे व्यक्ति के विषय में कहा जाता है ये क्रूर होगा, दासी होगा और विद्वान होगा। सर ये नहीं ये समझ आया, संक्रामक बीमारियों वाला। वृश्चिक राशि ना चंद्रमा की नीच राशि होती है। अब यहाँ पे सूर्य जाने के होता क्या, विष जहरीले पदार्थों का ये व्यापार करें, पेस्टिसाइड्स नहीं होते जो कीड़े मकोड़े उनको मारने के लिए हो जाते हैं, पेस्ट क्यों किलर कहे जाते हैं, तो उसका भी तो कोई ना कोई बिजनेस करता ही है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, तो इनको उन सब कार्यों में महारत हासिल, पेस्टिसाइड में, इंसेक्टिसाइड में। जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। मेरा मोबाइल ऑनलाइन है फिर भी ये ऑफलाइन शो कर रहा है, कहीं से कॉल आ रही तो बिजी शो हो रहा है, मिस कॉल चली जा रही है। व्हाट वुड बी द मोस्ट प्रोबेबल रीजन बिहाइंड इट, इसको एक बार ऑफ करके रिबूट कर दें। सो पेस्टिसाइड्स का जो बिजनेस होगा, जिनका सूर्य वृश्चिक राशि में है, अगर ऐसे जातक करें तो उनको काफी धन धन लाभ होगा। ये क्रूर शब्द का प्रयोग इसीलिए किया गया है कि देखिए सपोज आपको एक चींटी दे दी जाए मारने के लिए तो आप नहीं मारना चाहते, तो मार देंगे, कहेंगे भगवान का बनाया हुआ एक जीव है जाने,
पर जब मनुष्य के अंदर क्रूरता आती है तो बड़े से बड़े जीव की हत्या करने से वो अपने आप को नहीं रोक पाता। क्रूर शब्द इसीलिए कहा जाता है, ये उपयोगी होता है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के कार्य होते हैं, भले से चींटी की हत्या का कोई अपराध की श्रेणी में गिनती नहीं होती, पर वो तो है तो पाप, परमात्मा द्वारा बनाई गई एक रचना को आपने नष्ट कर दिया, इसी को क्रूर कर्म कहते हैं। अब सूर्य धनु राशि में जाएगा तो क्या हो, काफी अच्छा परिणाम देता है सूर्य वृश्चिक के बाद जब धनु में जाता है। किन्हीं किन्हीं राशियों में अगर एक प्लैनेट से ही प्रेडिक्शन आप करना शुरू करो तो बहुत सारे अच्छे गुणों का उस व्यक्ति को आप वार्तालाप के द्वारा बता सकते हो कि आपके अंदर ये सद्गुण आ गए होंगे, आपके अंदर इस तरह की प्रवृत्तियां, ये इंस्टिंक्ट प्रीडोमिनेंट हो। जो इंस्टिंक्ट की प्रीडोमिनेंसी होती है किसी भी जातक के अंदर कौन सा गुण प्रभावी होगा ये उसके पूरे जीवन को बताता है। एक होती है प्रभावशीलता, एक होती है प्रभाव शून्यता। तो जो भी चीज प्रभावी होगी वो सही सही आपके जीवन को देख दिशा दे। अगर हम सूर्य को धनु राशि में ले जाएं, सूर्य हमारा धनु राशि में चला गया तो ऐसे जातक के क्या साथ क्या होगा, ये सज्जनों से पूज्य होगा, जेंटलमैन बन गया। देखिए दूसरा क्या होगा, धनवान होगा। तीसरा क्या होगा, इसके अंदर स्किल बहुत, ये तीक्ष्ण होगा, ये शिल्प विद्या भी जान सकता है, वैद्य भी बन सकता है या डॉक्टर। इसमें भी इस व्यक्ति को महारत हासिल हो सकती है। सेजिटेरियस में सन जाने पे व्यक्ति को डॉक्टर भी बना सकता है। अब इसके बाद की राशि बनती है मकर। सूर्य मकर राशि में चला गया, ऐसे व्यक्ति जो है छोटी पदवी का, कम कारोबार करने वाला, हेलो, हरिओम हरिओम, क्या नाम है आपका, कैसी हैं यशिका जी, लाइफ कैसी चल रही है आपकी, क्या दुख का कारण है आपके। कारण तो मेरे पेरेंट्स शादी के रिगार्डिंग अभी शादी हुई कि नहीं आपकी, तब तो आधा दुख कम होना चाहिए, शादी के बाद तो दुख बढ़ जाता है। तो है। मना कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे सर। वो पहले भी शादी नहीं थी क्योंकि लड़का हैदराबाद से और मैं हरिद्वार से, तो कहाँ आप ये मिली थी चीज उसे, नहीं। आप तो हाँ, कहाँ मिली थी जिससे आपको शादी करनी है। हम लोग मिले थे एक्चुअली, मैं जब जॉब में थी ना वो टाइम पे, मतलब अच्छा जॉब करके, तो इंतकाल की वजह से पहले पुलिस से मना कर रहे थे, फिर बोलते हैं कि वो जगह मतलब जगह की वजह से एकदम साउथ में नहीं करना है, अब नॉर्थ में रहते हैं। ये वो मतलब थिंकिंग मेंटालिटी का थोड़ा डिफरेंस। और फिर इंटर कास्ट है, वो सिद्धि है, मैं ब्राह्मण है, तो वो चीज का, और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब उनको बेसिकली मना ही करते रहे हर चीज पे ना। बट फिर अच्छा भी 3 साल के बाद जाके मिलने के लिए रेडी हुए, फिर मिले भी, उसके पेरेंट्स आके मिले और हम लोग भी जाके मिले। बट मतलब शादी भी ऑलमोस्ट ऐसे डेट्स भी निकल गए थे, बट फिर मेरे पेरेंट्स भी प्रॉब्लम कर रहे थे, कभी कुछ कभी छोटी छोटी बातों पे, मतलब कुछ भी ऐसे मान नहीं रहे थे लड़के अच्छा वालों की। क्या बोल रहे थे, बस यही सब बोल रहे थे कि बहुत सारे रीजंस थे अभी छोटे छोटे, तो अभी मेरे को आप पहले ये बता सकते हैं मेरे कभी है जानते, मतलब अभी आप क्या पहले कर से रही शादी। हैं, अभी आप क्या कर रही हैं,
विदेश जाने की इच्छा करती है क्या आपकी? अच्छा, जॉब भी करने आई हूँ यहाँ पे, बस बहुत ज्यादा लड़ाई है। सॉफ्टवेयर में है क्या आप? आप सॉफ्टवेयर में किस सेक्टर में जॉब कर रहे हैं? अच्छा, एविएशन में। अभी ये वाली शादी तो काफी आपकी डिफिकल्ट सिचुएशन में है, इसमें थोड़ा सा कम मन लगाओ। इसमें पेरेंटल जो आपको क्या बोलते हैं, परमिशन नहीं मिलेगी इसमें। और सूर्य मंगल आपका एक साथ मिल गया है, सेकंड हाउस में पंचम भाव का स्वामी है, और सप्तम का स्वामी शुक्र भी है, वो भी वही मिला हुआ है। प्रेम विवाह होगा आपका, थोड़ी कठिनाई से होगा। इससे पहले भी कोई प्रेम था आपका क्या? अच्छा, ये आपकी लाइफ का तीसरा प्रेम है, इससे पहले दो प्रेम आपके चार्ट शो कर रहे हैं। आप हाँ सही बात है ना। देखो, कभी भी डॉक्टर से एंड ज्योतिषी से आपको छुपा नहीं सकते। डॉक्टर के पास आपकी ब्लड रिपोर्ट होती है, ज्योतिष के पास आपकी कुंडली होती है। थोड़ा सा पेशेंस रख लो, विवाह तो आपका प्रेम विवाह ही होगा। थोड़ा सा पेशेंस रख लो, धैर्य रख लो। जितना धैर्य रखोगे लाइफ में ना, उतनी लाइफ अच्छी चलेगी। कभी कभी एक्टिव होने की बजाय पैसिव हो जाना चाहिए, द वेट वॉच। जैसे ही वेट एंड वॉच करोगे, हवा की दिशा बदल जाती है। और आप बल एक्जेक्टली ऐसा है भी और सब बोल जैसे तो बात कि मेरे जैसे सब लगा तो डोंट से एनी नेगेटिव वर्ड। एक समझदार इंसान का जो सिम्टम्स होते हैं, वो कभी भी किसी व्यक्ति को भला बुरा नहीं कहेगा। तो हर व्यक्ति के प्रति शुभेच्छा रखो। सुबह उठ करके 3 माला गायत्री मंत्र का जप करो और 1 माला ओम नमः शिवाय करो। ऐसा 21 दिन तक करो, काफी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। आपकी इसी से शादी होगी, इसलिए घबराना बिल्कुल मत, धैर्य बना कर रखना। व्हाई शुड वी गो इन डिप्रेशन? आप हमसे बात करिए, हम आपका डिप्रेशन निकालेंगे। क्यों आपको डिप्रेशन में जाने की क्या आवश्यकता है, बताइए। भगवान ने इतना सुंदर बनाया है, इतनी अच्छी बुद्धि दी है आपको, इतना अच्छा दिमाग दिया है, डिप्रेशन में जाने के लिए? थोड़ा सा धैर्य रखो, जुलाई के बाद चेंज हो जाएगा। कहाँ टाइम है ये? तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अच्छा, आपको कुछ भी नहीं करना है, यू नीड टू बी ओनली पॉजिटिव, और पेशेंस रखना है। अगर आप डिप्रेशन में जाते हो, नेगेटिव थिंकिंग जाते हो, तो आप हमसे बात करो, हम आपको पॉजिटिव थिंकिंग कराएंगे, ठीक है? और ये 21 दिन तक जितना मैंने बताया मत जप करके, फिर उनको कॉल बैक कर लेना। 21 दिन बाद मत करना, बीच में भी कॉल कर देना। ओके 100% आपका आपका सप्तम का स्वामी पंचम का स्वामी का कंजंक्शन हुआ, बिना लव मैरिज में शादी होगी। मैं आपको एक बार
लड़की का थोड़ा 15 मिनट बाद देखा मैं, मेरे पास एक आवश्यक कार्य है, मुझे कर लेने दो, 15 मिनट बाद कॉल करना, ठीक है? आई विल बी वेटिंग फॉर यू। हाँ कॉल कर लेंगे। अभी देखो हम लोग सूर्य के विषय में पता कर रहे थे, तो सूर्य के विषय में जब आप पता करेंगे तो काफी कुछ चीजें आपको पता चल जाएंगी। आप लोगों ने इतना धैर्य पूर्वक हमें सुना, बहुत अच्छा किया। मेन इज पेशेंस इन द लाइफ, अ मैन विदाउट पेशेंस इज अ लैम्प विदाउट ऑयल। एक प्रोवर्ब, जिस व्यक्ति के पास जीवन में धैर्य नहीं है वो उस दीपक की तरह है जिसमें तेल नहीं। तो सूर्य धनु राशि में चला गया, तो धनु राशि में जाने से व्यक्ति को इसने धनुष बनाया, डॉक्टर बना दिया। अब यही सूर्य अगर मकर राशि में जाएगा तो व्यक्ति को छोटी पद भी मिलेगी, छोटी पद भी मिल जाएगी, ये व्यक्ति कम विद्वान होगा और अल्प धनवान होगा। इसके पास धन कम होगा और ये दूसरे के धन की को प्राप्त करने की इच्छा करेगा। ऐसी प्रवृत्ति इसमें अंदर आ जाएगी, पर यह व्यक्ति दूसरों के भाग्योदय को देख करके प्रसन्न होगा। अब सूर्य कुंभ राशि में आ जाए, तब जो कुंभ राशि का सूर्य होता है ये संतान को कष्ट देता है, तथा भाग्यहीनता बताता है। या फिर इसकी संतान जो है आज्ञाकारी नहीं होगी, मेनली संतान को कष्ट होता है। और कुंभ लग्न का सूर्य जो है हृदय रोग भी देता है। और आखिरी है सूर्य मीन राशि में चला जाता है, जो मीन राशि का सूर्य होता है जल संबंधी पदार्थों से द्रव्य की प्राप्ति होती है। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर सकता है। इसके बाद क्या करेगा ये? इसके बाद धन होगा, धान होगा। और ऐसा व्यक्ति स्त्रियों द्वारा बहुत आदर प्राप्त करता है। मीन राशि का सूर्य काफी अच्छा है, कुंभ राशि का सूर्य अच्छा नहीं है। इसका जो मूल निचोड़ हम लोगों ने प्राप्त किया कि कुंभ राशि का जो सूर्य होगा वो अच्छा नहीं है, मीन राशि का सूर्य अच्छा है। तो मीन राशि का सूर्य अच्छा है तो जातक को अच्छा परिणाम भी मीन राशि के सूर्य से प्राप्त होगा, और कुंभ राशि के सूर्य से अच्छा परिणाम नहीं प्राप्त होगा। इस बात का ध्यान रखना। आज की कक्षा सूर्य के 12 राशियों में फलादेश होती, जो मैंने काफी कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोग अपने अपने वीडियो को ऑन कर दीजिए, बीच बीच में जब हम देखते नहीं तो आप लोग अपना वीडियो बंद कर देते हैं। बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, यू ऑल आर वेरी एनर्जेटिक। तो आप में से किन किन का सूर्य कर्क राशि में है? पता नहीं किसी को, किसी का सूर्य है कर्क राशि में? एक एक से पूछते हैं। हिना जी, आपका सूर्य किस राशि में? नहीं मालूम। तीसरी वाली राशि में, रूपा जी, आपका सूर्य कहाँ है? रूपा जी दिखी। सर उसमें नौवे भाव में है और है कर्क में, चार नंबर कर्क, लिखा नौवे भाव में।
चंद्रमोहन जी आपका सूर्य किस राशि में है? कुंभ गुरु मेरा कुंभ राशि में। राशि में। तो कुंभ राशि का सूर्य काफी परेशान करता है, कुछ परेशानी आपको आती है क्या? बहुत ज्यादा। अभिषेक पांडे जी आपका सूर्य किस राशि में है? नहीं मालूम। ऋषि दूसरे जी आपका सूर्य कहाँ है? नहीं पता। रेडमी वाई टू आपका शुभ नाम क्या है? मुझसे पूछ रहे थे क्या सर? आपका नाम निशु पांडे जी है ना? निशु पांडे जी आपका सूर्य कौन है? नौमा घर में और मकर राशि में। मकर राशि का सूर्य तो हुआ। अच्छा हम लोग पढ़ रहे थे ना कि परेशानी वाला है। जी सुजाता जी आपका सूर्य कहाँ है? वृश्चिक वृश्चिक राशि में है ये जी। राशि में। बहुत आनंद ले रही है। कनिका जी आपका सूर्य कहाँ है? बहुत सिंह राशि में। ही तेजस्वी है, विद्वान है। देखिए आपके ऊपर जी इसका प्रभाव आपके ऊपर है। सूर्य सिंह राशि में विद्वान बना देता है, साहसी बना देता है, करेजियस बना देता है। हैप्पी हैप्पी आपका सूर्य कहाँ है? हैप्पी विषय में कोई जानकारी नहीं। नीरज कुमार जी अपना वीडियो ऑन करिए, अजीत जी वीडियो ऑन करिए, हरी जी जी अपना ऑन करिए। सर जी मैं बताऊं कौन है अपना? गुरु जी? हरी जी आपने वीडियो ऑफ करके रखा के साथ रहोगे युति तो नहीं होगी आपकी। ध्यान से समझिएगा, पहली वाली कक्षा में मैंने गुरु को पढ़ाया था। गुरु 12वां भाव में किस किस तरह के फल देता है, और गुरु जितने भी ग्रह होते हैं सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, इस वजह से मैंने उसको पढ़ा दिया। दूसरा पॉइंट मैंने पढ़ाया सूर्य, 12 राशियों में सूर्य का क्या क्या फल है। अब इसका उपयोग हम कैसे करेंगे? जब भी कोई चार्ट आप खोलोगे तो गुरु को देख लो, उसके फलादेश को कर डालो, फिर सूर्य के फलादेश को कर डालो, तो कम से कम एक व्यक्ति के 10 से 15 गुण आप बता दें। 10 to 15 प्रॉपर्टीज ऑफ सिंगल पर्सन आप बता देंगे, तो उससे होगा क्या? जब आप 10 से 15 गुण किसी एक व्यक्ति के बता देंगे तो वो व्यक्ति समझेगा ना, यस यू आर द एस्ट्रोलॉजर, आप ज्योतिष के विधाता हैं, भाग्य विधाता है, ज्योतिष की आपके पास जानकारी है। देन वो आपसे कंसल्टेंसी लेगा। आपके सामने मेरे पास एक कॉल आई थी, शी वाज टेलिंग दैट शी इज लविंग वन पर्सन। मैंने उसे कहा नहीं, ये आपके जीवन का तीसरा व्यक्ति है जिससे आपको प्रेम है, इससे पहले आपके दो प्रेम हो चुके। सर वो प्रेडिक्शन आपने कैसे किया सर, इसके बारे में कुछ बताएंगे प्लीज? वो प्रेडिक्शन हम बता देंगे, अभी तो ज्योतिष की लंबी यात्रा करनी है आपको। तो इसे होता क्या है कि वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ा ना आपके सामने, कहा नहीं नहीं हाँ आप सही बता रहे। तो क्यों? क्योंकि जैसे डॉक्टर के पास जी पैथोलॉजिकल, गुरुदेव है जो है जी, उसी तरह एक कुंडली भी उस व्यक्ति गुरु का प्रभाव जब आप, गुरु के प्रभाव को मैंने गुरुदेव नहीं। जब आप गुरु का प्रभाव पढ़ा रहे थे तो हाँ आपके जी, उस मैं जो है उस क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाया था आप शोरगुल की वजह बिल्कुल से, तो वो वीडियो मुझे मिल सकता है? वीडियो वीडियो अपलोड हो चुका होगा, आप उसे देख लीजिएगा। ये भी वीडियो अभी 10-15 मिनट बाद अपलोड कर देंगे, जो लोग देर से जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे। अच्छे बाकी जी बातें दो धन्यवाद। तीन बातें हम बता देते हैं। बीच में हम कुछ दिन बीमार थे, 3-4 दिन तो हॉस्पिटल, और दिन हॉस्पिटल, तो अभी मेरी क्लासेस कॉन्टिन्यूअस होगी। कभी कभी हम दिन में भी क्लासेस लेंगे, क्योंकि मुझे ये पूरा कोर्स ना मार्च महीने में खत्म कर देना। मार्च सर महीने अनुरोध है कि जॉब में थोड़ा लेट आना, और आज तो मैं जल्दी आ गई थी 7 बजे वाली क्लास के लिए, मगर रोज नहीं हो पाऊंगी, तो कृपया अपलोड कर दीजिएगा वीडियो सर। वीडियो हम अपलोड कर देंगे। दूसरी बात यह है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने फीस डिपॉजिट नहीं की है, तो फी भी डिपॉजिट कर दीजिएगा, बिकॉज ये कुछ चीजें थोड़ा सा रेगुलर रहती तो ज्यादा अच्छा होता है। तीसरी बात यह है कि ये कक्षाएं हमको 1 मार्च तक खत्म कर देंगे, 1 मार्च तक नहीं 30 मार्च तक खत्म कर देंगे, तो ये कॉन्टिन्यूएशन में क्लासेस चलेंगी। ये एडवांस की क्लासेस हैं,
इसकी अगर 8-10 क्लासेस भी मन लगा करके वीडियो खोल करके आप लोग पढ़ लोगे तो उससे आपको काफी आनंद आएगा, और वीडियो बंद करके पढ़ेंगे तो फिर आनंद नहीं आएगा। और मेरे जो पढ़ाने का उद्देश्य एकमात्र होता है कि आपको पढ़ा दें, आपको जॉब दिलवा दें। बहुत सारे लोगों को इसी ग्रुप में मैंने जॉब दिलवा दिए, मुझ पर डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा उन लोगों से, तो आपको भी जॉब मिल जाएगी। पर उसके लिए ज्ञान का होना आवश्यक है, और ज्ञान के लिए आंखों का खुला होना बहुत हो सकता है कि 8 घंटे पेनफुल आपको लगे कि वीडियो ऑन करके हम देख रहे हैं क्या मुझे मिलता है। 2-4 शब्द भी अगर आपका मस्तिष्क पकड़ने में समर्थ हो जाएगा तो उससे आपकी अच्छी खासी वृद्धि हो जाएगी। विद्या अभ्यास से आती है। एक प्रोवर्ब है संस्कृत में, पुस्तकेषु विद्या परहस्त गति धनम कार्यकाले समुत्पन्नी न च विद्या न तथा। पुस्तक में लिखी हुई विद्या दूसरे के हाथ गया हुआ धन काम समय आने पे काम नहीं आता। तो इस वजह से मेरी कोशिश ये रहती है कि हम आपको पढ़ाएं और आपको याद करा दें, क्योंकि किताब में जो लिखी हुई बातें हैं, एक किताब खरीद लीजिए ज्योतिष, अब बन जाइए ज्योतिष, नहीं बन सकते। उसमें इतना फॉर्मूला लिखा हुआ है कि इन सारे सूत्रों का उपयोग कहाँ करेंगे। एक ही राशि के 50 गुण लिख दिए गए, अब 50 गुण एक दूसरे से विपरीत हो गए। लिखने वाले ने लिखने में प्रिडिक्शन में कुछ छोड़ा ही नहीं होगा जो आपको जोड़ना पड़े। अब हमें एक ही व्यक्ति से 15 मिनट में बताना है, 5 मिनट में बताना है, 7 मिनट में बताना है, तो ये सारा आनंद। और एक बात बताएं, एक ही विधा अलग अलग लोगों को अलग अलग लाभ देती है। एक ही शब्द अलग अलग किस्म के व्यक्ति अलग अलग तरह से बोलेंगे और उसका प्रभाव भी व्यक्ति के ऊपर अलग अलग आता है। ये कब आ पाता है? जब आप ज्योतिष को समझने लगेंगे, आपके कॉलर रिपीट हो जाएंगे, दूसरे के कॉलर बेटा बेचारा सुबह से बैठ के कर रहा है, आज तो 50 रुपए का काम दिया। एक ही प्लेटफॉर्म पे दो व्यक्ति, और एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरा 1500 हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास रिपीट कॉलर बनते हैं ना, जो आपके पास कॉलर आते हैं वो कुछ लिख के भी जाते हैं उसके। और दूसरा व्यक्ति जो अननोन व्यक्ति बात करने आता है, वो पहले पढ़ता है लिखा क्या क्या लिखा है इनके। अगर लिख दिया गया कि वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी नॉलेजेबल पर्सन, हम्बल पर्सन, तो दूसरा तीसरा चौथा सब आ जाएंगे आपके पास। अब वो भी इसी उम्मीद में आएंगे कि ये मुझे कुछ मार्गदर्शन करेंगे। आप उन्हें क्या दे सकते हो? सांत्वना दे सकते हो, प्रेम से सुन सकते हो। तीन चीजें हमें जीवन में रोज करनी चाहिए, एक तो प्रेम करना चाहिए, दूसरे प्रार्थना करनी चाहिए, और तीसरी परिश्रम करना चाहिए। जितना परिश्रम लगा करके आपने कोई भी विधा पढ़ी होगी, उसका 10% परिश्रम लगा करके ज्योतिष को पढ़ लो, 6 महीना पढ़ लो, उसके बाद देखो आपकी हालत क्या होगी। आपको लोग ढूंढते हुए फिरेंगे। अब आप कहोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, कल बात कर लीजिएगा सुबह में 10 बजे, वो उसके बाद भी आप बता देंगे कि मेरी फीस इतनी है, फीस पे करने के बाद ही बात कर लीजिएगा, तो आपके वर्ड्स की कीमत हो गई। पर उस कीमत तक पहुंचने से थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है, तो थोड़ा सा परिश्रम कर लीजिए, बाकी घबराने का कोई विषय नहीं है, बाकी सारे आगे के रास्ते हम क्लियर कर देंगे आपको। आप में से किसी के पास कोई प्रश्न हो तो पूछ ले, अदरवाइज शांति पाठ करेंगे, क्लास को बंद कर देंगे 10:21 पर। गुरु जी, आपने मुझे पूछा था ना कि मेरा कौन सी राशि में है सूर्य। तो मेरा ना सूर्य बुध के साथ चौथे भाव में मिथुन राशि के साथ है। देखिए आपका मिथुन राशि कैसे है? बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति सूर्य अगर आपने ध्यान से पढ़ा था, मिथुन राशि का सूर्य व्यक्ति को ज्योतिषी बनाएगा। आप ज्योतिषी के मार्ग पे, सूर्य बुध आदित्य योग भी हुआ ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, बुध आदित्य योग भी हुआ। आपका काम कैसे, आपका काम कैसे चल रहा है? हमारा हमारा नीच का है सर, 7 नंबर, नवंबर का है हमारा जन्म, कोई बात लेकिन नहीं, नवमास नवमास में ऊंच का है सर, नवमास में ऊंच का है। प्रभाव तो उच्च का दिखाएगा। गुरु जी कुंभ राशि में क्या बोले कि सूर्य अगर होगा तो? मेरा जैसा है कुंभ राशि में, बुध के साथ है सूर्य और तीसरा भाव में है। ऐसे व्यक्ति कुंभ राशि का सूर्य व्यक्ति को बहुत परिश्रम करवाता है, थोड़ा वो तो कर ही रहा। तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं, रेगुलेटर चैट। सर हमारे शेयर चैट का क्या होगा सर? शेयर चैट में आप आइए, लाइव आइए, आ रहे हैं रोज आ रहे हैं, पर कुछ नहीं हो रहा। बोल रही है कि नहीं बोल रही है?
ज्योति जी बोल रही थी कि शायद मेरा आ ही नहीं रहा है, चेक कर दीजिए सर। बात करके कल देखेंगे, अभी हम इज्जत में छुट्टी में, दिन में बात करिए, हम बात करा देंगे। ठीक है सर, अभी हम रेस्ट मोड में चल रहे हैं तो दिन भर मिल ही ना। ठीक है सर, शांति सर्वगुण शांति, ओम शांति शांति शांति, सर्वारिषु शांति भवतु, विश्वानिदेव सवितरचितं ओम शांति।